नरेंद्र मोदी तुम्हारे जात के और तुम्हारे धर्म के और तुम्हारे जातिवाद लोगों को करो, तुम्हारा तुम्हारे धर्म तुम्हारे के साथ, तुम्हारा मंदिर तुम्हारे साथ, तुम्हारा राम तुम्हारे साथ, हमारे भीम के सामने साले कुछ भी करने गद्दार के, कोई वो आरएसएस को हो, ये विश्वंत परिषद को हो, या बीजेपी के कोई 30 मार्क हो, कोई माइकल लाल को नहीं छोड़ना होगा, ये कांग्रेस सरकार उनको इमीडिएट अरेस्ट करवाना। ये दलित की ताकत है, ये मुसलमानों की ताकत है, और ये मालूम हो रहा है कि दलित मुस्लिम हम एक हो गए, इसमें मालूम हो गया। कहना चाहेंगे सर, प्रोटेस्ट दिन भर चल रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट इसी तरह कंटिन्यू रहेगा? साहब ये जो प्रोटेस्ट है, जो संघ परिवार के लोगों को कुतंत्र है इसमें, ये नरेंद्र मोदी का जो है आरएसएस वीएचपी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, ये जो लोग है ना, अभी कल राम प्राण प्रतिष्ठान किए, हमने ऐसा किए वैसा किए, हाँ इस देश में सब एक हो गया, कुछ अशांत नहीं, कुछ भी नहीं बोल के नाटक किए थे लोग, उसका ये परिणाम है। ये लोग समझ रहे कि हम राम मूर्ति राम मंदिर को बना दिए, हम सबसे शांत होता, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी, ये इसको समझ में आना चाहिए। ये देखो नरेंद्र मोदी जी, तुमने जो राम मंदिर के नाम से जो देश में जो अंगार लगाने की कोशिश कर रहे, ये बाबा साहेब अम्बेडकर को तुम्हारे लोग, तुम्हारे आरएसएस के, तुम्हारे संघ परिवार के, तुम्हारे ये जो विश्व हिंदू परिषद के, ये लोग जो नाटक कर रहे अभी, तो कल से ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर मूर्ति छेड़छाड़ करने की कोशिश की तुम लोगों ने। ये तो गुलबर्ग है, ये तो गुलबर्ग नहीं, तो कोई गुजरात नहीं है, कोई यूपी नहीं है, तुम समझ लो मोदी, तुमने जो नाटक मत करो इधर। ये बाबा साहेब अम्बेडकर खाली दलित के लिए काम नहीं किया और मुसलमान के लिए काम नहीं किया, दलित बाबा साहेब अम्बेडकर ओवरऑल इंडिया भारत लोगों के लिए काम किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर दिया। ऐसा महान शक्ति व्यक्ति को तुमने जो इंसल्ट करने की कोशिश करते, तुम्हारे कल ये जो गुलमर्ग प्रोग्राम हुए, तुम कोई कुछ नहीं किए थे, कुछ नहीं बोले तुम लोगों को, करो तुम्हारे धर्म तुम्हारे के साथ, तुम्हारे मंदिर तुम्हारे साथ, तुम्हारे राम तुम्हारे साथ, हमारे भीम के सामने साले कुछ भी करने गद्दार के, तो याद करवाएंगे तुमको 1880 को, 1880 में क्या हो गया मालूम हो तुम लोगों को? खाली हमारे शिवना के जो लीडरशिप ने 500 लोग तुम्हारे नरेंद्र मोदी तुम्हारे जात के और तुम्हारे धर्म के और तुम्हारे जातिवाद लोगों को 30,000 लोगों को चिट्ठी छोड़, तो एक 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 नाट में एक रात में काट के फेंके थे, यही लोग है यहाँ गुलबर्ग के लोगों को इतना असर से मत समझो। बाबा साहेब अम्बेडकर मूर्ति जो ये कोर्ट नोटे में जो इंसल्ट करने की कोशिश किया हमने स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो कांग्रेस सरकार है, और एक बात इसमें जो प्रियंका खड़गे साहब के जो यहाँ नोटेड आइकन ऑफ कर्नाटक यूथ आइकन जो कर्नाटक है, प्रियंका खड़गे साहब को इंसल्ट करने का कोशिश भी इसमें है, और प्रियंका खड़गे के एरिया में आकर हमने ऐसा ये किया तो ऑल ओवर इंडिया न्यूज होता है, बोल के ये कुछ गद्दार लोग किया हुआ साजिश है, और हमने प्रियंका खड़गे के साथ में, और जो हमने पूरा एंटायर पूरा दलित कम्युनिटी एंड ओबीसी एंड माइनॉरिटी, और ये भी सोच ले नरेंद्र मोदी जी, और तेरे सेंट्रल इंटेलिजेंस से सुन लो और सेंट्रल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ले लो, गुलबर्गा में कोई दलित लीडर का कोई ऑर्गेनाइजेशन ये बंद करने का ये आह्वान नहीं किए थे, अपने आप बंद हो गया। मुसलमान एरिया में नॉर्थ 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 कंट्री जाओ तुम, कोई मुसलमान की दुकान चालू नहीं है, कोई मार्केट चालू नहीं है, अपने आप में बंद हो गया। ये दलित की ताकत है, ये मुसलमानों की ताकत है, और ये मालूम हो रहा है कि दलित मुस्लिम हम एक हो गए, इसमें मालूम हो गया। बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से कोई खिलवाड़ करने की कोशिश किए तो 1818 पे जो हो गया सर, वो तुमको याद दिलवाएंगे। सर ये करने का मकसद क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या करने का मकसद ये जो आज हुआ है, क्या वजह से किया गया? देखिए हमने बोले कि जो कोई जो भी गद्दार है, सोशल घातक शक्ति है, कोई वो आरएसएस को हो, ये विश्व हिंदू परिषद को हो, या बीजेपी के कोई 30 मार्क हो, कोई माइकल लाल को नहीं छोड़ना होगा, ये कांग्रेस सरकार उनको इमीडिएट अरेस्ट करवाना, और अरेस्ट इतना ही नहीं करना, उनके पीछे क्या है, ये जो प्लान कौन करवाए थे, कहाँ प्लानिंग हो गया, और चप्पल कहाँ से लेकर है, वो लोग कब गए, ये सब इनको है ना अरेस्ट करना, कोका में उनको अरेस्ट, कोका में एक्शन लेना और गुंडा एक्ट में उनको अंदर करवा। अब ये प्रोटेस्ट कब तक चलने वाला है? प्रोटेस्ट तो हो गया सर, प्रोटेस्ट तो नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हम,
कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हम, ये खाली बाबा साहब अम्बेडकर से नमन करने के लिए आए हम, ये प्रोटेस्ट दिख रहे नरेंद्र मोदी कैमरे को, ये प्रोटेस्ट नहीं है हमने, हमारे पूरे यंगस्टर्स हमारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चों लोग खाली बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने आए है, तेरे को प्रोटेस्ट दिख रहे नरेंद्र मोदी एंड कांग्रेस पे जो बीजेपी लोगों को, ये प्रोटेस्ट नहीं है हमारा, प्रोटेस्ट अगर देखना है तो 1880 को तो हो गया था वो फिर याद करने वाले तुम लोगों को। सर पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ बात हुई है अरेस्ट को लेकर? पुलिस डिपार्टमेंट से बात की है हमने, पुलिस कमिश्नर साहब ने हमने मुझे खुद फोन किया था, और डीसी मैडम जो स्पॉट गए थे वो जो बाबा साहब अम्बेडकर इंसल्ट किया था वो स्टैचू निकल रो, वो बाबा साहब अम्बेडकर जो इंसल्ट किया था वो स्टैचू निकल के बहुत बढ़िया खूबसूरत स्टैचू विद इन वीक में ला के नया स्टैचू हम ला के रखेंगे बोल के मैडम डीसी ने आश्वस्त किए, एसी गए थे, डीसी गए थे, पुलिस कमिश्नर साहब गए थे, और हमें सुनने में आ रहा है कि ये कोई जो है गद्दार उनको अरेस्ट किया बोल के, हम नहीं मानते अरेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, कोई जो ऐसा काम करता कोई अपना नाम लिख कर फोन से नहीं कर जाता है कोई उसमें भी साजिश है, लेकिन वहाँ बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस है, सीसीटीवी आप वेरीफाई करो, जो भी है उसको अंदर करो। थैंक यू हमने एक करके।